हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से मास्टर के चैनल में। आई होप कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें और आप अपना प्यार हमें यूं ही देते रहें। आज के अपन वीडियो में बात करेंगे 10th लेवल से कुछ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन और किसी भी वेरिएबल और को अनदर वेरिएबल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसके कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? ए नंबर विच हैव अ फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू इज नोन एज ए कांस्टेंट। जैसे कि 1, 2, 3, 4 पाई इटीसी। वेरिएबल क्या होता है? किसी नंबर को या फिर किसी भी एक एलिमेंट्स को जानने के लिए मैं किसी डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू से वेरीफाई करवाता हूं उसको, तो अपन बोलते हैं कि उसको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सी इज इक्वल टू 2πr। तो इसमें जितने भी r की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे तो वेरिएबल उसका चेंज होता जाएगा। तो ये होता है वेरिएबल। अब आते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन भी 2-3 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि कुछ फैक्टराइजेशन तो आप फॉर्मूले लगा के भी फैक्टराइज कर सकते हो, और कुछ फैक्टराइजेशन जो होते हैं जिसको बोलते हैं ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन, उसको कुछ मेथड होते हैं उसके सॉल्व करने को। तो आइए एक-एक एग्जांपल लेकर हम समझते जाएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं उसको। तो आइए, तो आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है जो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 है। तो अब इसको मैं कैसे फैक्टराइज करूंगा? तो पहला स्टेप ये है, स्टेप वाइज आप लिख लीजिएगा। पहला स्टेप ये है कि फर्स्ट टर्म को सबसे लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके आप बनेगा यहाँ पे 30x स्क्वायर, और मिड टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि वो मल्टीप्लाई होके तो ये बन जाए जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके बनाए, और प्लस या माइनस करने पे 11x ही बने। जो यहाँ पे प्लस 11x है तो प्लस 11x ही बनना चाहिए, अगर माइनस 11x होगा तो माइनस 11x बनना चाहिए। तो कौन सा ऐसा टर्म है? तो 6x और 5x, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 30x स्क्वायर बनेगा, और 6x + 5x = 11x। तो आप देख सकते हो x² + 6x + 5x + 30। अब इसमें मैं कॉमन लूंगा अगर यहां से x, तो x + 6 यहां बचेगा, और प्लस टाइम्स यहां पे मैं कॉमन लूंगा तो x + 6 यहां बचेगा। तो दो अपने पास इसके फैक्टर जो मिलेंगे वो x + 5 और x + 6, ये इस रूप में मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, 2-3 वैरायटी होती है इसमें। दूसरा क्वेश्चन ये है कि x² + 7x - 18। फिर यही करना है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो x² - 18 = -18x² और 7 को ऐसे ब्रेक करना है अपने को -18x². अब मिड टर्म को मेरे को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ जाए, और प्लस या माइनस करने पे मेरे पास क्या है, 7x है। तो 9x और 2x दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 18x² आएगा, और 9x - 2x = 7x। तो ये हो जाएगा कुछ x² + 9x - 2x - 18। तो अब इसमें से मैं x कॉमन लूंगा तो x + 9, यहां से माइनस टाइम 2 कॉमन ले लूंगा तो x + 9। तो यहां पे मेरे पास दो जो फैक्टर बन जाएंगे x - 2 और x + 9। तो इस रूप से ये हो गया। एक और अलग टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, वो ये है थर्ड कि √6 - √3x² - 47x + 5√3। अब इसको करना है तो फर्स्ट टर्म को जब मैं लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, सारे में जो फॉर्मूला लगेगा एक ही लगेगा, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो तो आप देख सकते हो यहां 90x² बनेगा, क्योंकि 6 × 5 = 30 और √3 × √3 तो यहां हो जाएगा 3, तो 30 × 3 = 90, 19x² और x² यहां पे है। अब मिड टर्म को मेरे को ऐसे कुछ तोड़ना है जो 90x² बन जाए। नेक्स्ट पेज में देखते हैं अपन। तो अब मैं ऐसे तोड़ूंगा इसको कि 6√3x² - 45x - 2x - + 5√3, ऐसे कुछ तोड़ूंगा। अब यहां से आप अगर
अगर अब यहाँ पे मैं अगर कॉमन की बात करूं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3√3 कॉमन ले लेता हूं तो यहां जो बचेगा ये बचेगा 2x माइनस 5√3, और यहां से मैं -1 अगर कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे फिर से बचेगा 2x माइनस 5√3। अब इसका फैक्टर जो हो गया, सॉरी यहां x भी कॉमन आएगा, x स्क्वायर है यहां पे, तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो 3√3x माइनस 1 और 2x माइनस 5√3। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, वो होता है कि हाईएस्ट अगर पावर डिग्री दे दे अगर, तो क्या करेंगे 7x³ माइनस 10 12। तो यहां पे कुछ एज्यूम करना पड़ता है, लेट x³ इज इक्वल्स टू y ले लिया मैंने। अब मैं जैसे x³ को y मानने से क्या फायदा है, ये आप देखो कि ये जो होगा ये जो x की पावर 6 दे रखा है ये कन्वर्ट हो जाएगा y की पावर 2 में प्लस 7y माइनस 12। अब यहां पे आप सिंपली फैक्टराइज कर सकते हो, फिर इसको मल्टीप्लाई करना इससे, तो आप देख सकते हो अगर यहां बनेगा 12y² और जब मैं मिड टर्म को ब्रेक करूंगा तो 4y और 3y में ब्रेक होगा, तो y² प्लस 4y प्लस 3y माइनस 12 ऐसे कुछ ब्रेक होगा। तो यहां बनेगा अगर मैं y कॉमन लेता हूं तो y प्लस 4 और यहां पे मैं अगर 3 कॉमन लेता हूं तो y माइनस 10 4, अगर सॉरी हाँ माइनस 10 4 ऐसे कुछ बनेगा। थोड़ा सा ये फंक्शन ही गलत ले रखा है शायद, यहाँ प्लस टाइम्स आएगा तब जाके आपका परफेक्ट बैठ सकता है यहाँ पे, तो यहाँ प्लस 4 आएगा, तो ये एक फैक्टर बन गया y प्लस 3 और y प्लस 4, ये आंसर। तो ऐसे फैक्टराइजेशन करते हैं अपन। अब अपन आते हैं रैशनलाइजेशन पर। रैशनलाइजेशन क्या होता है, कोई नंबर आपके पास गिवन हो, और रैशनलाइजेशन वही होता है जहां रूट अंडर होता है, तो अगर डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर में कोई भी नंबर गिवन हो आपको तो उसके कॉन्जुकेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आइए उसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर, मैंने एग्जांपल जो लिया है 2√√फुल में √3-1। अब इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, मैंने बोला कॉन्जुकेट। कॉन्जुकेट क्या होता है कि जो नंबर आपके पास गिवन हो रूट अंडर में, उस अगर यहाँ पे अगर प्लस साइन गिवन रहता है तो इसी टर्म को माइनस टाइम में लिखते हैं, अगर आपके पास माइनस टर्म गिवन है तो इसी को प्लस में लिखते हैं। जैसे 2√3-1 और मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा तो 3+1 √3+1। अब ये करने से होगा क्या, ऊपर तो बन गया 2√3+1 और नीचे आप देख सकते हो a² + b² a + b और a - b का बन गया, तो इसको अगर आप a² करोगे तो यहां बनेगा 3-1 और अगर b² अगर करें -10 b² तो -10 3 और -1, तो नीचे जो बना माइनस और ये दोनों तो कट गए अल्टरनेट साइन, और 2√3+1 अपॉन -2 यहां से ये कट गया, तो सिंपली ये आंसर आया आपका 3-3+√3+1। नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेके देखते हैं, वो है 7√12-√5। अब इसको रेशनलाइजेशन करना है इसका, तो √12+√5 अपॉन √12+√5। अब इसका करोगे तो आप यहां मिलेगा आपको 7√12+√5 अपॉन a² - b², तो 12-b² करोगे तो 5, तो यहां पे आप देख सकते हो 7√12+√5 अपॉन में 7, तो सॉरी या 7, तो ये दोनों कट गए तो बचा यहां पे √12+√5। तो ऐसे अपन करते हैं रैशनलाइजेशन। ये भले ही बेसिक है लेकिन ये आपके 11th 12th या फिर आप फिजिक्स के कैलकुलेशन में जाओगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 10th में तो एक क्वेश्चन इस पे आता ही आता है, तो प्लीज इसको अच्छे से समझें आप। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और इस चैनल को शेयर करना ना भूलें, और अभी के लिए इतना ही।